हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं ऑटो कैड ट्यूटोरियल सीरीज। इस सीरीज में आप ऑटो कैड भी सीखेंगे, साथ में स्ट्रक्चर डिटेलिंग की ड्राइंग भी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीडियो है तो आज की वीडियो में हमें ये ड्राइंग बनानी है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा यूनिट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यूनिट्स दी हुई है वो 4.7 मीटर, यानी कि यहाँ पर जो यूनिट्स है एमएम और मीटर में है ना। तो ड्राइंग बनाने का जो रूल है वो होता है, अगर टू यूनिट्स में हमारा स्ट्रक्चर है, ड्राइंग है, तो हम जो मिनी स्मॉल यूनिट होती है उसको चूज़ करते हैं। तो इसमें एमएम हम चूज़ कर लेते हैं। तो यूनिट सेट करने के लिए टाइप कीजिए यूनिट्स, एंटर, और यहाँ पे डेसिमल आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे टू डिजिट तक की हमें ज़रूरत है, और यहाँ पे मिलीमीटर, ठीक है। तो मिलीमीटर, टू डिजिट एंड डेसिमल, उसके बाद हमें ओके कर देना है, ठीक है। यूनिट सेट हो चुकी है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारी स्क्रीन है, ठीक है, इस स्क्रीन का साइज हमें सेट करना है, यानी कि जितनी बड़ी हमें ड्राइंग है उससे थोड़ी सी बड़ी हम इस विंडो को सेट कर लेते हैं, जिससे हमारी ड्राइंग उसमें फिट हो सके। तो देखते हैं हमारी ये जो ड्राइंग है इसका साइज लगभग, देखिए इस बीम की लेंथ जो है 4.7 मीटर है, तो लगभग हम इसको ले लेते हैं 6 मीटर ले लेते हैं इसकी लेंथ, और 4 मीटर ले लेते हैं इसकी विड्थ, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं इतने में हमारी ड्राइंग आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर ये हम लेते हैं 6 मीटर और ये लेते हैं हम 4 मीटर, तो ओरिजिन क्या होगा हमारा, ये, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 6000, 4000, ठीक है। तो हम जाते हैं ऑटोकैड में और टाइप करते हैं लिमिट, एंटर। यहाँ पे हमें टाइप करना है 0, 0 लोअर कॉर्नर, एंटर। फिर यहाँ टाइप करना है हमें 6000, 4000 एंड एंटर। एंटर करने के बाद हमारी जो लिमिट है वो सेट हो चुकी है, बट हम चाहते हैं कि अभी हमारा वो डिस्प्ले हो स्लैली यूनिट्स, तो उसके लिए सबसे पहले जेड, एंटर, ए, एंटर। उसके बाद आप टाइप कीजिए कि आप केवल वो ग्रिड देखना चाहते हैं जिसको हमने लिमिट दिया, तो ग्रिड डिस्प्ले, ग्रिड डिस्प्ले पे एंटर मारिए। और अगर आप केवल वो डिस्प्ले देखना चाहते हैं जो ग्रिड आपने बनाएंगे, तो टू एंटर, देखिए ये रही, ये ग्रिड है आपके 6000 by 4000। तो यूनिट सेट हो चुकी है, सेकंड स्टेप आपकी ग्रिड सेट हो चुकी है, नेक्स्ट अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीम बनाते हैं। तो बीम की लेंथ कितनी है, 4.7, देखिए 4.7 यहाँ पे इसकी लेंथ है, और 100 मीटर का ये गैप है, और 100 मीटर का ये गैप है, तो टोटल इसकी जो लेंथ हो जाती है 4.9, और 300 इसकी विड्थ है। तो हमें जो रेक्टेंगल बनाना है वो क्या बनाना है, 4.9 मीटर बाय 3.3 मीटर, ठीक है। चलिए, तो मैंने एल प्रेस किया, एंटर, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कहीं पर जहाँ से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और ये देखिए लाइन थोड़ी टेढ़ी जा रही है, तो इसके लिए मैंने F8 प्रेस, स्ट्रेट हो गई। तो 4900 लेंथ, ठीक है, और 300 विड्थ, देन 300 विड्थ, और उसके बाद 300 विड्थ, सॉरी 4900 देन 300। तो ये रेक्टेंगल हमने बना लिया है, ठीक है। उसके बाद हम बनाते हैं इसकी सपोर्ट, ये सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट का साइज तो हमें पता है 200, और इसको भी हम मान लेते हैं 300, ठीक है। तो बनाते हैं एक सपोर्ट, L, एंटर, क्लिक करते हैं, यहाँ पे 200 विड्थ है, 300 हाइट है,
फिर 200 विड्थ है और फिर इसका क्लोज कर देते हैं। ठीक है, सी ओ से इसे कॉपी कर लेते हैं, फिर एंटर क्लिक कॉर्नर पर क्लिक करके इसे ड्रैग करके हम यहाँ पे F8 ऑफ कर लीजिए और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको मूव कर लेते हैं M, एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर सेलेक्ट कॉर्नर और ड्रैग करके इसको ऐसे क्लिक करके ऐसे उठा के रख देंगे। ठीक है, सपोर्ट हो गई। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा ये हैच कमांड। ठीक है, तो हमने क्या किया, एच ए एंटर, यहां पे सिलेक्ट कर लेते हैं किस टाइप का हैच देना है, इस टाइप का ये हैच दे देते हैं ये वाला। ठीक है, ओके, यहां स्केल कर देते हैं 5 और यहां से कर लेते हैं पिक पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया हमने और ये, और दूसरे सपोर्ट पे भी क्लिक किया और एंटर एंड ओके, सपोर्ट लग चुकी है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, हमें ये कंटिन्यूटी का हमें ये सिंबल बनाना है और इसको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो ये देखिए ये कैसे करेंगे, L एंटर, रफली अपने हाथ से बना लीजिए, क्लिक जूम कीजिए, F8 दोबारा ऑफ किया मैंने, ठीक है, उसके बाद हमने ऐसे क्लिक करके एक रफली हमने बना लिया है। इसको हम क्या करते हैं, कॉपी CO एंटर और इसको उठा के हम यहां रख देते हैं। सही से उठा के रख देते हैं, सीओ कॉपी एंटर। थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं, इस तरह से रफली बनाया हाथ से, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं और एक रख देते हैं यहाँ। तो चलिए कंटिन्यूटी सिंबल बनाते हैं, तो हमें इस सपोर्ट पे बनाना है। ठीक है, तो लाइन कमांड एंटर, देखिए ऑटोमेटिकली यहां पे स्नैप कर रहा है, तो यहां पे जाके हमने राइट क्लिक किया, सेटिंग, ये टिक हटा देंगे। आ रहा हूं, अब हम बनाते हैं कंटिन्यूटी सिंबल। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, लाइन
एंटर। और हमने रफली ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो हमें ट्रिम करना है ये पार्ट और ये पार्ट, तो उसके लिए हमने TR प्रेस, TR एंड एंटर। TR डबल एंटर, और जूम करके आप ये ट्रिम कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद लाइन से यहाँ पे लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए। ये हमने एक लाइन बना दी है, इसी तरह से एक लाइन हम यहाँ बना देते हैं। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, CO कॉपी, कॉपी करके और यहां पेस्ट कर। हमने पेस्ट कर दिया TR डबल एंटर, और ये हम ट्रिम कर देते हैं। और इन दोनों लाइन को इरेज कर देते हैं, इरेज एंटर एंटर। तो कंटिन्यूटी लाइन भी हमारी बन चुकी है, यहां पर भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 mm आपका क्लियर कवर दिया हुआ है, ये 25 mm और ये आपका 25 mm, ठीक है। और हम यहाँ पर भी दे देते हैं 25 mm 25 mm, 25 mm 25 mm, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी लाइन का ऑफसेट मार देते हैं। तो प्रेस O एंटर,
25 एंटर, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगी, और इस पे क्लिक करके माउस को नीचे ले आएंगे तो ये नीचे बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 25 mm के बाद ये स्टार्ट होगा, तो ऑफसेट मान लेते हैं 25 mm इस लाइन को इधर, और इसी तरह से इस लाइन को इधर ऑफसेट कर देते हैं, और यहाँ पे इसको हम ट्रिम कर देते हैं, टी आर डबल एंटर। दोनों साइड से ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो देखिए हमारी जो स्टीरअप है वो अराउंड 50 mm के बाद स्टार्ट है, और ये 200 mm का गैप है, ये देखिए ये 200 mm का गैप है आपका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो इसको हम मूव करा लेते हैं या ऑफसेट इसी का मार देते हैं 50 mm इस लाइन का यहाँ पे, ठीक है। अब इसका हम ऑफसेट मारेंगे 200 mm, 200 और इस लाइन का ऑफसेट, इस तरह से हम ऑफसेट मारते हैं, यहां पर भी हमें 25 mm अंदर बार को ऑफसेट देना है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमें ये वाला बार बनाना है 25 स्पेसिंग, ये ले लेते हैं हम, और ये 900 mm दिया हुआ है, ठीक है। और ये कितना हो गया आपका 900 प्लस ये, ठीक है। तो हम इसी बार को ऑफसेट मार देते हैं 25 mm, इस बार को ऊपर, ठीक है। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम यहां से, नाइन हंड्रेड एम एम, और यहाँ कट मारते हैं, इससे हमें पता जाएगा कि ये कितना है। इसी तरह से एक कट मारते हैं यहाँ पे 900 mm और कट। अब टी आर सिंगल एंटर इस लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और एंटर मारेंगे, उसके बाद जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो डिलीट हो जाएगी, और बाद में हम ये मार्क जो किए हैं हमने इनको भी इरेज कर देंगे। उसके बाद ये हमारा बेंड हो रहा है यहां से 45 डिग्री पे,
45 डिग्री, तो इसको करते हैं हम लाइन एंटर, यहाँ क्लिक किया हमने, F8 को ऑफ रखेंगे और टैब दबा के हम एंगल पे जाएंगे और डालेंगे हम एंगल, क्योंकि ये एंगल हमारा 45 का है, एंगल अब ये वाला ले रहे हैं हम, तो ये कितना होगा आपका 135, ठीक है, तो 135 एंटर करते हैं, 5 और स्कैन, इसी तरह इधर से भी लाइन एंटर इधर और टैब 45 एंटर। अब इसको हम ट्रिम कर देंगे TR सिंगल लाइन एंटर और क्लिक, ये बार भी हो चुका है। इसके बाद आपका नंबर आता है क्रॉस सेक्शन का, तो क्रॉस सेक्शन बनाते हैं यहाँ पे, ये है 250 by 300, ये क्रॉस सेक्शन है आपका 250 by 300 का, सॉरी ये यहाँ पे होगा 250 by 300, तो लाइन एंटर F8 प्रेस 250 by 300 then 250 then C, ये क्रॉस सेक्शन बन चुका है। उसके बाद हमें बार्स बनाने हैं, फोर बार और यहाँ पर भी 4 बार, तो C प्रेस किया हमने और एंटर और यहाँ क्लिक करके हमने बनाया 16mm का बार, ठीक है, इसको हमने CO से कॉपी, सिलेक्ट, एंटर और सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे 4 बार रख दिए। इन चारों को सिलेक्ट किया, मूव करा लेते हैं, अब इनको हम कॉपी कर देते हैं, CO कॉपी, इस तरह से। अब रिइंफोर्समेंट बना देते हैं, एक बार हमारा थोड़ा नीचे है, प्रेस M एंटर, ये सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा हम नीचे बना देते हैं। अब हम लाइन से स्टीरअप बनाते हैं, स्टीरअप इस तरह से हमने स्टीरअप ड्रॉ कर ली। हम जरा अपने बार्स को मूव करा लेते हैं थोड़ा,
इस तरह से। इसी का हम कॉपी कर लेते हैं, इसमें तीन बार हैं नीचे और ऊपर हैं चार बार, इसमें तीन बार नीचे हैं, ठीक है। इसी का हम एक कॉपी बना लेते हैं, सिलेक्ट, एक कॉपी बना लिया हमने और नीचे कर देंगे हम थ्री बार्स, इरेज, ओके, मूव करा लेते हैं, मूव, अब इन बार्स को हम डार्क कर देते हैं हैच से, तो एच ए हैच, यहां पे ले लेते हैं हम सॉलिड कलर, पिकम पॉइंट, सेलेक्ट ऑल बार्स, हैच, सॉलिड, पिक ऑब्जेक्ट, एंटर, ओके, ठीक है, हैच को एडिट कर लेते हैं। कलर कर देते हैं इसका ब्लैक, नेक्स्ट रह गया है इसमें टेक्स्ट और डायमेंशंस। तो सबसे पहले डायमेंशन मेजर करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, डायमेंशन में जाना है और लीनियर डायमेंशन और इस तरह से क्लिक करके हमें डायमेंशन मेजर कर लेंगे। डायमेंशंस का अगर साइज आपको बढ़ाना है के लिए आपको यहां पे जाना होगा, यहां पे, और इस पे क्लिक करना होगा, यहां पे क्लिक करने के बाद मॉडिफाई, टेक्स्ट का साइज थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं, यहां से 10 कर देते हैं, एरो का साइज बढ़ा लेते हैं हम यहां से, इसको भी 10 कर देते हैं, ओके करना है, उसके बाद सेट। देखिए
अगर आप चाहते हो कि ये पोर्शन ना हो तो उसके लिए क्या करना है आपको, दोबारा इस पे जाना है, मॉडिफाई लाइंस, और आपको क्या करना है जो एक्सटेंड लाइन है इसको कम करना है। ओके सेट ओके। इसी तरह से आपको सारी डायमेंशन मेजर कर लेनी है। अगर आपको टेक्स्ट का साइज और बढ़ाना है, दिख नहीं रहा है, तो मॉडिफाई टेक्स्ट 30 कर देते हैं टेक्स्ट साइज, और एरो साइज भी हम कर देते हैं 30। सेट क्लोज। अगर आप चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट सेंटर में हो तो मॉडिफाई टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल, लाइन बेस लाइन स्पेसिंग, उसी तरह से अगर आपको इस एरो की तरह लिखना है, जैसे एरो लिखा हुआ है ऐसे लिखना है, तो आप जाइए यहाँ पे डायमेंशंस एंड मल्टीलीटर और हमें जैसे कि इस बार के बारे में लिखना है, और यहाँ पे टाइप कर सकते हैं 16 mm डायल। इसका साइज और एरो अगर हमें बड़े करने, तो यहाँ पे हम जाएंगे मॉडिफाई एरो साइज 20 और जो कंटेन है उसका भी साइज 20। ओके करके सेट क्लोज। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इस ड्राइंग को बना सकते हैं। अगर आपको ये सेक्शन बनाना है इस तरह से यहाँ पे, तो उसके लिए भी आपको एक सिंबल अपने आप बनाना होगा। तो ये बनाते हैं, लाइन एक लाइन बनाएंगे और लाइन से ही हम इस तरह का सिंबल बना सकते हैं।
इसका हम कर सकते हैं कॉपी, और इसको हैच कर सकते हैं। सेक्शन बना सकते हैं। तो इस तरह से जो टूल इस हमें इस ड्राइंग में बनाने के लिए चाहिए वो सारे मैं बता चुका हूँ, इस तरह से आप ये बना सकते हैं। तो उसके लिए थैंक यू।